वीर ने पवित्रा को अपने जाल में फंसाया, रॉकी ने पवित्रा को रक्षा कवच पहनाया। वेल, हम बात कर रहे हैं कलर्स टीवी के पॉपुलर टीवी सीरियल पिशाचनी की। आज के एपिसोड में हमने देखा कि वीर रॉकी और पवित्रा से झूठ बोल देता है, वहीं पवित्रा को वीर के नाशक ना होने पर शक हो जाता है, लेकिन पवित्रा को वीर की बातों पर यकीन नहीं होता। रॉकी रानी के पालने को ढूंढ रही होती है, वहीं रॉकी की माँ सुधाकर से रानी के बेटे के बारे में बातचीत करती है। रॉकी बच्चे में पिशाचनी के रक्त होने की बात भी अपनी माँ से कहता है। रॉकी मम्मी से नाराज भी हो जाता है, वहीं पवित्रा रॉकी को समझाने की कोशिश करती हुई नजर आती है और बच्चे को अपने ढंग से पालने की बात भी रॉकी से कहती है। रॉकी पवित्रा की बात को नहीं मानता। वही ट्रैक में आगे हमने देखा कि रॉकी सभी घर वालों को वीर के ही नाशक होने की सच्चाई बताता है। शिखा इस बात को सुनकर खुश हो जाती है। वीर बच्चे को महापिशाच के खिलाफ इस्तेमाल करने की बात भी घर वालों से कहता है। पवित्रा वीर से प्लान के बारे में सवाल करती है। वीर घर वालों से किसी एक के मदद मांगने की बात भी कहता हुआ दिखाई देता है। वही रॉकी वीर के साथ जाने की बात करता है और सभी घर वाले जाने के लिए लड़ाई कर लेते हैं। वही ट्रैक में आगे हमने देखा कि वीर नीलम पासा के जरिए अपने साथी ढूंढने की बात करता है। नीलम पासा पवित्रा के पास चला जाता है, जिसके बाद हमने देखा कि पवित्रा वीर के साथ जाने का फैसला करती है। रॉकी पवित्रा की फिक्र होने की बात भी पवित्रा से कहता है। पवित्रा वीर की तारीफ करती हुई भी नजर आती है। वहीं रॉकी पवित्रा को रक्षा कवच भी पहनाता है। पवित्रा और रॉकी एक दूसरे को गले भी लगाते हैं। ट्रैक में आगे हमने देखा कि वीर हरे सितारे को देखकर अपने प्लान को शुरू करने की बात कहता है। वहीं रानी महापिशाच को रोकने की कोशिश करने की बात कहती हुई भी दिखाई देती है। वेल, अपकमिंग ट्रैक में ये देखना दिलचस्प होगा, क्या पवित्रा को पता चल जाएगी वीर के महापिशाच होने की सच्चाई। आपका अपकमिंग ट्रैक के बारे में क्या कुछ है कहना हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। टीवी शोज की अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।